हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? और अच्छा ही रहना चाहिए। और हमारे नया चैनल पर है तो सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन को घंटे जरूर दबाएं। जैसे कि जो आप जो देख रहे हैं, जो रूम का लोहा कैसे बनाया जाता है, इसमें है, देखिए इसमें बीच में चटैया गिर रहा है, देख रहे हैं, ये बीच में चटैया है। इसका रूम है 12x14 का है, ठीक है, 12x14 का ये रूम है। इसमें है जो 3 फीट उधर से 3 फीट इधर क्रेंक तोड़ा हुआ है, देख सकते हैं। इसे हमारा ये 2 फीट छज्जा निकाला हुआ है, 2 फीट उधर छज्जा निकाला हुआ है, इसलिए यहाँ से हम डायरेक्ट वहाँ लोहा मारे हुए हैं, ठीक है। और इधर जो आप देख रहे हैं ये पट्टी में, ये हमारा है 3.5 फीट है, ये बाहर का पोजिशन 3.5 फीट है। और हमारा ये भी इधर इधर 3 फीट का है, जो 3 फीट का जो है इसका देख रहे हैं जी, बीम का ओ पट्टी से, माने बीम का ओ पट्टी हुए लोहा गिरा हुआ है, देख सकते हैं जी। बीम का इधर भी वो गिरा हुआ है, माने इसका रूम बाय रूम इसका लोहा बना है, रूम बाय रूम का। और उसके बाद जो ये जो देख रहे हैं, ये हमारा पैसेज हो जाता है 3.5 फीट का है, इसका डबल जाली कर दिए, इसका डबल जाली है। और देख सकते हैं पूरा में ये हमारा बीम तक दिया हुआ है। और क्रेंक जो है, क्रेंक देख सकते हैं, एक क्रेंक हम उठा चुके हैं। और इसमें का अभी फिलहाल में लोहा बचा हुआ, इसको टॉप बांधने का, देख सकते हैं टॉप बांधने का लोहा बचा हुआ है। और हमारे इधर 4 फीट निकाला हुआ है छज्जा, माना चौकी कह सकते हैं चाहे छज्जा भी कह सकते हैं, ये चौकी हमारा 4 फीट निकाला हुआ है। और हाँ, इसमें जो लोहा दिया हुआ है देख सकते हैं आप, बीम का पोजीशन, इसमें 6 गो लोहा दिया हुआ है, इसमें 5 गो लोहा दिया हुआ है। और पोजीशन हमारा इधर का बचा हुआ है। और हमारा ये भी है, जैसे रूम का ही हिसाब से इसका लोहा बनाता है रूम बाय रूम, एगो टॉप और एगो जाली का लोहा इधर और उधर जाता है। और हमारा ये भी पोजीशन है। और हमारा आगे का जो है पोजीशन, आगे का जो है आप देख रहे हैं, ये भी हमारा है, इसमें है हमारा 6 गो लोहा बना हुआ है, देख सकते हैं आपको बुझा रहा है, इसमें 6 गो लोहा बना हुआ है। और इसके बाद इसमें हमारा आगे का पोजीशन जो है डिजाइन के लिए, इसमें फरमा बैठेगा तो इसका हम अगला वीडियो में जरूर बताएंगे। और हमारा ये भी देखिए, इसमें भी हमारा 14 फीट का दूरी का हिसाब है, इसमें हम दिए हुए हैं, इसमें 6 गो लोहा दिए हुए हैं। उसके बाद हमारा ये भी जो बीम आगे का पोजीशन जो है, इसमें हमारा बीम में लोहा पड़ेगा 8 गो लोहा, 8 गो लोहा इसमें पड़ेगा हमारा अगला बीम। और ये जो देख रहे हैं आप, सेंटरिंग डाउन है, माने यहाँ से आप इसको 2 फीट पाटिएगा इसको, और 2 फीट फिर इसको डाउन में पाटिएगा, जो मैंने इसमें फरमा बैठाने में आपको आसान भी रहेगा, जो आप लोग पलाई कर बना कर डाल सकते हैं। और इसके बाद ये भी है, और हमारा सीढ़ी का जो पोजीशन, सीढ़ी का जो हमारा पोजीशन है, इसमें आप क्या करिएगा, इधर से लोहा और इधर भी निकाल दीजिएगा, तो मैंने दूसरा तल्ला के लिए आपका लोहा निकल जाएगा। इसमें 3.5 फीट का जगह है, इसमें 11 गो लोहा दीजिएगा 3.5 फीट में, आपको 4 इंची पर लोहा ही हो जाएगा। और उसके बाद इसका डाइनिंग हॉल है हमारा, ये डाइनिंग हॉल है हमारा,
तो इसमें हम 5-5 पर लोहा दिए हैं, देख सकते हैं इसमें 5-5 पर लोहा दिया हुआ है और हमारा करेंक भी उठ रहा है। इसमें 3 इंची करेंक उठता है, 3 इंच उठता है। उसके बाद इसको जो है आप देख रहे हैं करेंक उठ रहा है, हम आपको अच्छा से भी दिखा सकते हैं जो कैसे करेंक आसानी से आप लोग उठा सकते हैं और बेहतर ये इसमें लोहा घुसेगा। और हमारे नए चैनल पर है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और बेल आइकन में घंटी जरूर दबाएं। हमारे